हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। आज का दिन हमारा है डे 15, लेकिन आज का दिन शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज 15वां दिन है, मतलब 14 दिन तो हो चुके, और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं, मुझे कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आपको पता है कि कई लोग, बहुत सारे लोग आपने अपने आसपास देखे होंगे जो कहते हैं, वो उब चुके हैं अपने लाइफ से और कहते हैं कि क्या चेंज होगा यार, कुछ चेंज नहीं होगा यार, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं यार, क्या करना है, अपना रूटीन चालू है तो चालू रहने दो। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखा है तो दैट मीन्स यू हैव अ बर्निंग डिजायर इन योर हार्ट टू चेंज योर सेल्फ। आपको खुद को बदलने के लिए आपने पहला कदम तो उठाया। मैंने देखा है एक चीज की मुझे शिकायत है कि आप ये वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन जितने व्यूज है उतने लाइक्स नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक माई वीडियोज वेन यू वॉच इट, और अगर हो सके, इट्स माई ऑफ कोर्स हम्बल रिक्वेस्ट, अगर हो सके तो इन वीडियोज को शेयर भी कीजिए। शेयर मेरे लिए नहीं, शेयर उन लोगों के लिए जिनको ये वीडियोज पता नहीं है और वो भी कुछ नया सीख सके, अपने लाइफ में कुछ चेंज ला सके। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, ऑफकोर्स इफ यू लाइक इट, डेफिनेटली। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा दिन डे 15 है, सॉलिट्यूड डे। व्हाट इज सॉलिट्यूड डे? सॉलिट्यूड डे क्या होता है? शांतता दिवस, शांति, संपूर्ण शांति। क्यों चाहिए शांति? हम सभी को चाहिए। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि हमें शांति क्यों चाहिए। आपने देखा होगा कि आप सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं, जल्दी जल्दी अपने नहाने बिना सब खत्म करते हैं, दौड़ते दौड़ते ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं, अपने बिजनेस के लिए निकलते हैं। वहां भी हाई स्पीड व्हीकल से जाते हैं, ट्रेन, बसेस, फास्ट लाइफ, लाइफ इज वेरी फास्ट। अपने ऑफिस में जाते हैं, दिन भर का काम फटाफट करते हैं। और आजकल काम का क्या होता है? हर एक को काम कल पूरा चाहिए, एवरीबडी वॉन्ट्स यस्टरडे। लाइफ बहुत फास्ट चल रही है और इतनी तेजी से लाइफ चल रही है कि हम अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और उसका नतीजा क्या हो रहा है? हाई बीपी, स्ट्रेस, डायबिटीज, हार्ट ट्रबल्स, ये सभी लक्षण है आपके गति के, स्पीड के। जिस गति से आपका लाइफ जा रहा है उसके ये सब परिणाम हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। एक गली है जिसके दोनों ओर शॉप्स हैं, ठीक है, जैसे शॉपिंग की लेन होती है, माल रोड होता है, मार्केट रोड होता है। अगर मैंने आपको बाइक पर मेरे पीछे बिठाया या फिर कार में मेरे बाजू में बिठाया और मैंने आपसे कहा कि गली के इस ओर से उस ओर तक जाएंगे और आप मुझे देखिए, बताइए कौन कौन से शॉप है वो आप मुझे बताएंगे वहां जाने के बाद, और मैंने कार 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये एंड से वो एंड तक चलाई, विल यू एबल टू सी एनीथिंग? ऑफ कोर्स आप कहेंगे आंखें तो खुली है, देख तो सकते हैं, लेकिन उसे आप देख रहे हैं। यू आर सीइंग इट, वॉचिंग इट, बट नॉट ऑब्जर्विंग इट। वो दुकानें, वो लोग इतने तेजी से आपके पीछे चले जाएंगे कि आप कुछ देख नहीं पाओगे। सेकेंड टाइम अगर हम पैदल चले तो, मतलब हमारा स्पीड अगर हमने कम किया तो आप देख सकोगे कि कौन से शॉप्स है, उसमें क्या मिल रहा है, कौन लोग है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो, isn't it? लेकिन ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड हमारे लिए, ये डायबिटीज, हाई बीपी वगैरह वो सब तो है ही, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे काम पर भी इसका इफेक्ट होता है। थोड़ा सा निरुत्साह आता है, कुछ करने का
मतलब जोश से कुछ करने का मन नहीं करता, थक जाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए आप समय ही नहीं दे रहे हो। आपको पता है कि बोझा उठाने वाला आदमी, मतलब जो बोझे उठाता है, बहुत हेवी लोड उठाता है, वो जितना थकता है उससे भी ज़्यादा वो आदमी थकता है वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल काम करता है। मेंटल स्ट्रेस इज फार मोर बैड देन योर फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस को आप झेल सकते हो, लेकिन मेंटल स्ट्रेस को झेलना बहुत बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या करें, आज की तो लाइफ ही ऐसी है हमारी, उस लाइफ को तो हम तोड़ नहीं सकते। आप कहेंगे अगर मैं स्लो हो गया तो दूसरा कोई मेरे आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको आपके काम की गति धीमी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज का हमारा जो डे 15 है, सॉलिट्यूड डे है, वहां पे हम पर्सनालिटी का एक ऐसा एस्पेक्ट सीखेंगे जिससे हम हमारा माइंड शांत कर सके, गति कम कर सके, स्पीड कम कर सके। अब हमें क्या करना है, हमें आज, सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आपको पता है इस कोर्स को हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में स्प्लिट अप कर दिया है, और हम कहते हैं सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के दिन। तो आज के दिन हमें 30 मिनट्स, आधा घंटा निकालना है। कैसे भी निकालो, आप लंच टाइम में निकालो, ऑफिस के बाद निकालो, ऑफिस से पहले निकालो, कहीं भी कभी भी निकालो। लेकिन आपको किसी ऐसी जगह पर जाना है जहां आपको कोई नहीं पहचानता, और हाँ, मोबाइल बंद फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि मोबाइल आपके लाइफ का सबसे बड़ा डिस्टरबेंस हो चुका है। तो आपको ऐसी जगह पर जाना है जहां आपको कोई नहीं पहचानता। आप गार्डन जाइए, सीफेस जाइए, सिनेमा हॉल जाइए, टिकट निकालिए, लेकिन अंदर मत जाइए, बाहर बैठिए लॉबी में, मॉल में, किसी कैफेटेरिया में जाइए, लेकिन वहां पे तो म्यूजिक बहुत होता है, शोर बहुत होता है, शोर नहीं चाहिए, जगह थोड़ी शांत होनी चाहिए। तो गार्डन और सी शोर ठीक है, राइट, शहर के बाहर हो या शहर के अंदर हो, लेकिन वहां आपको कोई पहचानने वाला नहीं आना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वहां जाके आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बैठना है फॉर 30 मिनट्स। अभी आप कहेंगे क्या 30 मिनट में ध्यान करूं, योगा करूं, या कोई मेंटल एक्सरसाइज करूं? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठना है। मंत्रास नहीं, ध्यान नहीं, मेडिटेशन नहीं, योगा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आराम से रिलैक्स होके बैठिए, दैट्स ऑल। खुद कोई भी विषय के बारे में मत सोचिए, सिर्फ बैठिए, दैट्स ऑल। बहुत आसान लग रहा है ना ये? नहीं, ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि भले आपका शरीर एक जगह पर रुक गया हो, आपका मन बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है। जैसे आपका शरीर रुक जाए, आपके विचार डबल स्पीड से आपके माइंड में आना शुरू करेंगे। क्या आपने ये कभी महसूस किया है कि अगर आपका शेड्यूल डेली बहुत बिजी होता है, तो जब कभी संडे आता है, घर पे कोई नहीं होता है, तो आप बोर हो जाते हो, मैं क्या करूं, बहुत बोर हो चुका हूं, नथिंग टू डू, होता है ना ऐसा? तो वहां भी वैसे ही होगा, आपका मन ऐसे क्रांति करके उठेगा, अरे कुछ तो करो, ये करो, वो करो। लेकिन उन विचारों को रोकिए मत, उनको आने दीजिए और जाने दीजिए, उसके ऊपर सोचिए मत। सिर्फ 30 मिनट्स, और सिर्फ आज के दिन। अगर ये आप डेली कर सको, अगर ये एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा, तो आप डेली कीजिए, इट्स नो हार्म इन दैट। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप, आपके मन की गति, आपके विचारों की गति और आपके जीवन की गति को डाउन कर देंगे, स्लो डाउन कर देंगे। और जैसे ही आपके विचारों की गति स्लो डाउन हो गई, आपकी बॉडी और आपका माइंड विल गेट रिलैक्स्ड, और वो खुद को रिजुवेनेट करेगा, एनर्जाइज करेगा। और उसके बाद आप देखेंगे, जब आप वो 29 मिनट के बाद जब आप काम पे जाओगे, तब आप में पहले से ज्यादा उत्साह, ज्यादा जोश काम करने के लिए आएगा। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हो, तो बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज आपके दिमाग में आने लगेंगे।
ओनली बिकॉज ऑफ दीज 30 मिनट्स। सो दोस्तों, आज कुछ भी करके आपको ये 30 मिनट जरूर निकालने हैं। फिर से मैं बोलूं, मोबाइल बंद करना मत भूलिए। अगर मोबाइल शुरू रखा तो आप 30 सेकंड भी नहीं बैठ पाओगे, 30 मिनट तो बहुत दूर की बात है। ओके, अब फिर एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करोगे? अपना टास्क सिंपल, आपकी नोटबुक निकालिए और लिखिए डे 15 सॉलिट्यूड डे, शांतता दिवस, एकांत का दिवस। और वहां पर आपको पता, जितनी जगह आपको पता है उसकी एक लिस्ट निकालिए। क्योंकि मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया था कि आप सीशोर जाइए, गार्डन जाइए, बट देयर कैन बी मेनी प्लेसेस। लाइब्रेरी हो सकती है, बहुत सारी जगह हो सकती है, आपके बिल्डिंग का टेरेस हो सकता है। कभी देखा है आपके बिल्डिंग के टेरेस पे कभी गए हो आप? वो भी हो सकता है जहां आप शांति से पूरा आसमान देख सकते हो। ऐसी जगह ढूंढ के निकालिए। क्यों? क्योंकि जब ये कोर्स, ये 30 दिन आप रिपीट करोगे नेक्स्ट टाइम, या अगर आज आपको बहुत अच्छा लगा और कल आपको फिर से 30 मिनट निकालने हैं, आपका मन करता है कि चलो आज भी थोड़ा शांति से बैठेंगे, तो आपको जगहों की कमी नहीं होगी। तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अरे सब जगह तो हो चुकी। इसीलिए वो टाइम निकालिए और जगह की लिस्ट बना लीजिए। दैट इज योर टास्क। थैंक यू वेरी मच। डे 15 एकांत का दिवस, शांतता दिवस, शांति का दिवस, सॉलिट्यूड डे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं और ये 14 दिवस जो गए हैं वो दिवस आपके जीवन के बहुत ही अच्छे दिन कटे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सॉलिट्यूड डे टुमारो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।